हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि याद करने के तरीके बताइए, और याद नहीं होता है क्या करना है। फाइनल पेपर आने वाले हैं और इस सेशन में रिवीजन भी उतना नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ बड़ी इजी इजी से स्टेप बताऊंगा मैं आपको, और अगर उसको करते हैं आप तो आपको बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। और किस तरीके से आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से पूरा सिलेबस हम कवर भी कर ले रहे हैं, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लर्न भी कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप ये है कि स्टूडेंट का कहना कि याद नहीं होता है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें, जैसे आज आपने स्टडी करी है, आज आपने लर्न किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आपका साइंस छोटी क्लास का है, ईवीएस छोटी क्लास का है, तो इन सब चीज़ सभी सब्जेक्ट का अगर आप बार बार उसका दोहराव नहीं करते हैं, रिवीजन उसका नहीं करते हैं, तो 100% है कि वो तो मिस होगा ही। और कोई आपका ये ड्रॉबैक नहीं है, ये कोई भी टॉपर स्टूडेंट है, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, वो सबके साथ होता है ये। एक समय के बाद स्टोरेज की जो है, माइंड की क्षमता, जैसे आज आपने सुबह कोई चीज़ स्टडी करी है, उसको लर्न किया है, तो आप शाम तक में आप देखेंगे कि 25-30% आपके पास चीज़ें रहेंगी, बाकी डिलीट हो जाएंगी। और उसका अगर 2-3 दिन के अंदर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो और ज़्यादा भी उसमें से आप भूल जाएंगे। तो उसका सीधा सा एक साधारण सा स्टेप हमने देखा, बनाया हुआ है, कि जैसे आज आपने कोई चीज़ का आपने स्टडी किया है, या आज उस क्वेश्चन या आंसर का आपने दोहराव किया है, तो आप उसको विद इन 36 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर आप उसको एक बार फिर से कर लेते हैं, तो आपको 50% चीज़ें नहीं भूलेंगी फिर। और फिर 3 से 4 दिन के अंदर उसका फिर से एक बार आप इम्पोर्टेंट चीज़ों बस का आप रिविज़न कर लें, तो फिर कुछ दिनों के लिए स्टोरेज हो जाएगा आपके माइंड में। तो इसका स्टेप कैसे बनाएंगे? पहला, फर्स्ट डे जो आपने किया ये, देन फिर 48 आवर्स के अंदर फिर से उसका रिवीजन, फिर 3 से 4 दिन के अंदर रिवीजन, फिर उसका 7 से 10 दिन के अंदर रिवीजन। अब उसको आप फिर बढ़ा सकते हैं, 21 से 25 डेज के अंदर भी करेंगे, तो वो चीज़ें कुछ भी मिस आपकी नहीं होंगी। अब नेक्स्ट में फिर 1 मंथ के बाद, फिर 3 मंथ, अब वो चीज़ों का आप अगर 6 मंथ में भी एक बार अपना रिवीजन करते हो, कभी भूले भूलने वाला नहीं। तो एक तो ये तरीका है कि जब तक आप, जैसे आपने सुना भी होगा कि हिंदी के स्टूडेंट ही सुने होंगे, भाई करत करत अभ्यास के जड़मत वत सुजान, ये दुआ सुना होगा सब लोगों ने। तो अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट, ये इंग्लिश वाले तो काफ़ी रेगुलर बेसिस पे मैं देखता हूँ टीचर से, और इस सभी जगह ये सुनते रहते हैं। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप में क्या है कि हमको रिलेशन सेट करने बहुत ज़रूरी है। कई कई बार ऐसे होता है कि हम उसको समझ लेते हैं, याद भी हो जाता है, और कुछ दिनों बाद फिर वो मिस हो जाता है, या वो वर्ड नहीं याद आते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड नहीं याद आते। जैसे अभी मैं 8th क्लास का उस दिन SST में देख रहा था, बच्चे बार बार, उनको सबको ये 1857 का स्ट्रगल सबको लर्न है, पर प्लासी के तो भूल जा रहे हैं। तो उसको क्या करना, रिलेशन कैसे सेट करना है, 100 ईयर पहले 1757, है ना, जैसे उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था ये आप लोगों से। तो उसको रिलेशन कैसे सेट कर दिया कि 1857 का तो मुझे लर्न है, अब उस पर क्या करना है, 100 ईयर पहले प्लासी का, और उसके बाद 57, और 7 ईयर के बाद बक्सर का, जहाँ से ये आप सब लोगों का क्वेश्चन बनता है ना कि भाई अंग्रेजों का ये स्टार्टिंग हुआ, तो कहाँ से ये पूरा एक चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो ये दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, का बंगाल का नवाब और ये सब, क्योंकि इतना बड़ा एरिया था वो, बीच में बिहार उड़ीसा और ये सब पूरा आपका वेस्ट बंगाल आया करता था, वो एक चैप्टर है, फिर उसमें अपन डिस्कस करेंगे SST में। अभी तो अपन लर्न करने की बात करते हैं। इसी तरह से आप दूसरा हिंदी में देखिए, जैसे कई सारे बच्चे हैं अभी हिंदी के सब्जेक्ट में डिस्कस कर रहे थे, कि समास का डिस्कस जैसे कर रहे थे, तो
कुछ चीज़ों का एक सेटिंग ऐसी बनाइए, आप रिलेशंस ऐसे सेट करिए कि वो फिर कभी आपको भूलेगा नहीं। जैसे द्वंद्व समास है, तो बीच में लोप वर्ड का रहता है, दोनों तरफ बराबर वर्ड, रात दिन माता पिता ऐसे करके द्वंद्व। दिगु की बात करते हैं तो वही संख्यावाचक रहेगा, एक दिमाग में सेट कर दिया कि वो संख्यावाचक रहेगा, वो फिर कभी भूलेगा नहीं आपको। कुछ ऐसे रिलेशन सेट करते हैं किसी किसी चीज़ों से कि वो फिर आपको कभी जो है दोबारा, आप कभी रिवीजन नहीं भी करते तो भी आपको मिस नहीं होने वाला है। इस तरह से आप इंग्लिश की ग्रामर में जाइए। टेंस की बात करें तो टेंस में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं कि तीन टेंस है, तीनों टेंस के तीसरे नंबर पे जो भी टेंस है उसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगा। जहाँ भी कंटिन्यूअस वर्ड यूज होगा वहाँ पे हम आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब में। कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं और बड़े बड़े आसानी से आप उसको जो है याद कर सकते हैं। पूरे टेंस में जो है केवल एक टेंस ही है, पास्ट इंडिफिनिट ही केवल एक टेंस है जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, बाकी कहीं पे भी सेकंड फॉर्म का यूज ही नहीं है। सिंस और फार का इस निश्चित और अनिश्चित का यूज करते हैं। एक बार सेट करना आपको कि भाई ये निश्चित टाइम है और ये अनिश्चित टाइम है, ये आपका क्लियर। तो इस तरह से करके मोटी मोटी बातें आपको कभी फिर भूलेंगी नहीं। तो ये रिलेशंस ऐसे सेट करेंगे। तो एक तो ये हो गया रिलेशन सेट करें। थर्ड नंबर पे एक चीज़ें क्या आती हैं, जैसे पहले आपने रिवीजन कर लिया, रिलेशंस भी सेट कर लिए, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मैथ की बात करते हैं। मैथ में जनरली मैं बच्चों को बार बार ये 5th 6th 7th 8th में कॉमन चीज़ें हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, फ्रैक्शंस है, एवरेज है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड चीज़ें हो गई। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, ये तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुई चीज़ें ही। तो कभी जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था उस दिन लास्ट वाली वीडियो, मैथ वाली वीडियो में, कि हैंडेड, कोई हैंडेड अगर है तो हैंडेड से रिलेशन सेट कर दिया परसेंटेज का, तो आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो हैंडेड 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और माइनस हो रहा है तो माइनस हंड्रेड हो जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार पांच कुछ ऐसे लेसन्स हैं मैथ के जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कोरिलेटेड है। जैसे सभी बच्चे सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू टी इंटू आर इंटू अपॉन हंड्रेड ये सब करते हैं, और वो फिर नीचे वाला कभी बोल दिया यस, यस आई कर दिया इधर, या टी कर दिया इधर, या आर कर दिया इधर, तो वो नीचे वाले सेटिंग भूल जाते हैं। तो दिमाग में सेट रखना भाई ऊपर हैंडेड और ये रहेगा और नीचे फिर जो बची चीज़ें हैं ऐसे। इस तरह से करके रिलेशन जब आप एक बार सेट कर देते हैं तो फिर वो चीज़ें मिस नहीं होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है आपको रिवीजन करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि अब आपके पास में समय कम है। जैसे 10th में जो स्टूडेंट हैं, 12th में, इन लोगों का तो अभी टाइम है फिर भी, कि आपका अभी 5 में भी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, फिर मार्च और अप्रैल में रिवीजन का टाइम है। लेकिन अब इतना सारा सिलेबस है आपका कि पूरा आप कवर करने का अगर सोचते हैं आप, तो अब आप उसको इतने कम समय में कवर नहीं कर पाएंगे। और 10th और 12th का, खासकर ये 12th वाले बच्चों का, ये परसेंटेज बड़ा स्कोर करता है। कई सारे आजकल कॉलेजों में एडमिशन होते हैं वो 12th के परसेंट बेस पे होते हैं। कई बार जैसे इसी बार आप लोग देख रहे हैं कि ये जेई का इस बार तो हटा दिया है, कि 75 का जो आप देख रहे होंगे कि है कि नहीं है, तो जेई की मार्किंग आपकी जो है एडवांस की, और उसके अकॉर्डिंग आपके एडमिशन हो जाएंगे। पर कई बार जनरली कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल पे 12th के परसेंटेज पे कई सारे एडमिशन डिपेंड करते हैं। पता चला आपको बनता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आप स्टूडेंट हैं वाकई में व्यवहारिक तौर पे देखें, पर वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपका परसेंटेज 12th का वो थोड़ी सी डाउन हो गया। कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ पूरा कवर भी किया है, वो लिखने के प्रस्तुतिकरण जो है वो IIT या नीट की तैयारी के चक्कर में वो लिखने का सिस्टम मिस कर दिया और उसमें नंबर उसके कम हो गया, और उससे थोड़ी कमज़ोर बच्चा पता चला 90+ स्कोर कर लिया और ये 80 या उससे नीचे रह गए। तो अभी थोड़ा सा अब इस चीज़ का भी रिहर्सल आप लोग करें कि कैसे मुझे जो है इसका आंसर देना है लिखने के तरीके, क्योंकि वो कंपटीशन वाली तैयारी है और इधर बिल्कुल डिफरेंस, दोनों का एक काफ़ी डिफरेंस होता है। और इस बार सिलेबस के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी हो रहे हैं, तो थोड़ा सेलेक्टिव अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन जरूर कर लें, और उसके साथ में जो वेबसाइट में आप जाएंगे CBSE में और MP बोर्ड का अगर स्टूडेंट है तो उस पर काफ़ी कुछ अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादातर उसको कवर करने का प्रयास करें। इस तरह से आपके काफ़ी अच्छे, अभी क्या है कि आप कम समय में
ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के करके हम ज़्यादा अच्छा स्कोर करें, क्योंकि अगर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 12 कर लिया इस साल, फिर अभी आप नेक्स्ट सेशन में भी जेई नीट या और जो भी कंपटीशन का बच्चे क्लैट है और जो तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में भी आप ट्राई कर सकते हैं, या एक अटेम्प्ट तो ज़्यादा काफ़ी बच्चे देते हैं, या एक साल का और फिर ड्रॉप लेते हैं। लेकिन इस साल आप पूरा फोकस इसमें लगाना है कि जो हमारा 10th 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा, उसका परसेंटेज हमारा अच्छा बने। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सेलेक्टिव तैयारी और उसके साथ में आपको ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो भी पढ़े हम उसका रिवीजन करना, उससे रिलेशन सेट करना। और जैसे अभी एक छोटी सी बात और मुझे याद आ गई, लास्ट में बता दूं वीडियो के लास्ट में, कि अभी एक 5th क्लास के बच्चे का EBS चल रहा था, एक दिन डिस्कस हो रहा था, और वो उसमें खरीफ और रबी की फसल का डिस्कस कर रहा है। तो अब उस पर टीचर ने उसको समझाया कि खरीफ की फसल ये होती है, रबी की फसल ये होती है, तो उसने लर्न कर लिया। अब उसको 10-15 दिन बाद फिर मैंने उससे बात किया तो उसको मिस हो गया। अब ध्यान क्या देना है, जैसे हिंदी में लगभग 10th तक तो सब लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो रवि का पर्यायवाची क्या होता है, दिवाकर रत्नाकर प्रभाकर, सूर्य जो है सूर्य का पर्यायवाची रवि रत्नाकर प्रभाकर दिनकर सब पढ़ते हैं, तो रवि मतलब सूर्य हो गया। और सूर्य तेज कब होता है, ये फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में गर्मी कब पड़ती है, और उस समय कौन सी कटाई होती है, उसको हम कौन सी फसल कहेंगे, रबी की फसल कहेंगे। तो दूसरी क्या बची, खरीफ की, तो दिवाली के समय जो होगी वो खरीफ की। ऐसे रिलेशन सेट कर लिया हमने तो वो फिर कभी जीवन में भूलेगा नहीं आपको, आप रिवीजन करें या ना करें। लेकिन अगर हम रट्टू बनेंगे और इस तरह से करके, तो कुछ दिनों बाद अगर वो चीज़ें मिस हो गई तो फिर हम देख रहे हैं कि वो पूरा चीज़ें ही आपके नज़रों से साफ हो गया और कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। अगर आप रिलेशन इस तरह से सेट नहीं करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। इसी तरह से आपके बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर ये मोटी मोटी बातें अगर आप करते हैं तो काफ़ी कुछ आपका हद तक परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और अच्छा आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो ये स्कूल वाला चैनल को आप जो है यूट्यूब में भी देख सकते हैं स्कूल वाला के नाम से, और फेसबुक में भी देख सकते हैं, और आगे ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे स्टूडेंट। ओके बाय।